ये है Vivo का नया T3 5G। ये Vivo की मिड रेंज वाली सीरीज है। ये Vivo की सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी सीरीज है। इसके अंदर Vivo के सारे फीचर डाले जाते हैं, वो सारी चीजें एक मिड रेंज प्राइस पे डाली जाती है। हमने वैसे Vivo के महंगे फोन्स भी ट्राई कर रखे हैं, बट T1 एंड T2 दोनों हमने ट्राई करा था। दोनों मार्केट में टॉप लेवल स्पेसिफिकेशन लेके आ रहे थे। ये भी पेपर पे स्पेसिफिकेशन टॉप लेवल लेके आ रहा है। लास्ट ईयर से काफी बड़े बड़े चेंजेस इस बार कर रखे हैं। एक नया प्रोसेसर, डिस्प्ले में अपग्रेड है, डिजाइन थोड़ी सी अलग से है, वो मैं आपको दिखा और पीछे की तरफ एक ऐसा कैमरा सेंसर ऐड कर रखा है जो मैंने कभी नहीं देखा। भाई मैंने भाई के वैसे स्पेसिफिकेशन देखे तो एक फोन से और थोड़े मिलते जुलते थे जो इस प्राइस पॉइंट पे, पर इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रखी। और मैं सही बताऊं, जब तक आप लोगों तक तगड़ा प्रोडक्ट पहुंच रहा है तब तक क्या दिक्कत है भाई। इस फोन के बारे में सारी चीजें देखेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। लेट्स गो भाई। और भाई अलग सा लगेगा थोड़ा, अभी खोल के और अच्छे दिखाऊंगा। कुछ पुस्तकें हैं, एक आपका स्टैंडर्ड कवर है, टाइप ए टू टाइप सी केबल है, हमारा सिम इजेक्टर टूल, ये फोन की वेडिंग रिंग भी बन सकता है जब, एंड 44 वाट का फास्ट चार्जर। इस प्राइस पॉइंट के लिए तो भाई इसको फास्ट ही बोलेंगे। थोड़ा सा अलग सा लग रहा है भाई। ओ भाई ये देखो, ओ भाई मेरे को पता किसकी फील दे रहा। वो पोकेमोन के टैजो होते थे ना, एक तरफ पिकाचू आता था उसको ऐसे करो राइचू बन जाता था, भाई इसमें भी ऐसे इस तरफ देखो ऐसा आ रहा है, इस तरफ कुछ और आ रहा है। वो काफी अलग सा लग रहा है यार, हाथ में पकड़े देख रहा हूँ, डिफरेंट सा लग रहा है। काफी सारी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट शेप से बन रखा है भाई, अलग ही अलग चेंज हो रहे हैं भाई शेप से। देखो उल्टा सीधा करूं, यहां से दिखा रहा हूं अलग सा दिख रहा है, यहां से दिखा रहा हूं तो अलग ईंटे। थोड़ा सा ना दूर से आप देखो थोड़ा 3D वाली फील आ जाती है भाई, ऐसा लगेगा कि यहां से कुछ उठा हुआ है क्या। यानी जो कैमरे वाला पार्ट है अगर आप बीच में देखो एक डिवाइडर सा लग रखा है। ये ना दिखने में ऐसा लगता है कि ये और ये अलग है, बट ये दोनों बीच में जुड़ रखे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा चमकीली फिनिश है, यहाँ पे ऐसी मैट फिनिश है भाई। वैसे दो कलर में आता है, एक डार्क ब्लू में आता है जिसमें एक थोड़ा मैट टेक्सचर है, ऐसे चमकीला चमकीला आपको दिखेगा, और ये क्रिस्टल फ्लेक वाला मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। बट एक चीज है, यहाँ पे दो कैमरे तो मस्त है, पर तीसरा वाला कैमरा अगर आप थोड़ा जूम इन करके देखो भाई बिल्कुल याद नहीं, ये आंख ना कुछ अलग सी लग रही है, भूत वाली आंख नहीं होती इसमें, ये ब्लैक वाली आई बॉल है एकदम व्हाइट सी हो जाती है। बेसिकली उसका मतलब होता है कहने का कि ऐसी चीजें आपको दिखेंगी जो रियल आंख से नहीं दिख सकती। एंटी फ्लिकरिंग वाला सेंसर है, तो मैं बताता हूँ इसमें हुआ क्या। समझ लो आप सड़क पे जा रहे हो, लड़कियाँ थर थर कांपने लग रही हैं क्योंकि भगाल होगा ना, ये फ्लिकरिंग जो आपकी फोटोज में होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस करता है। एंड एक चीज और मैंने नोटिस करी कि जो कैमरे का फ्लैश भी है ना, एक बाहर वाली रिंग है एंड एक अंदर वाला एक छोटा सा सर्कल सा दे रखा है। मेरे ख्याल से दो अलग अलग कलर के फ्लैश निकलेंगे, तो आपकी स्किन काफी अच्छे से बैलेंस होगी। Vivo के फोन में कैमरे में हर बार कुछ ना कुछ अलग चीजें आती रहती है, इस बार भी अच्छे से टेस्ट करेंगे। बैक वैसे है पूरी प्लास्टिक की, इस प्राइस पॉइंट पे यही टाइप की मिलती है। राइट साइड में वॉल्यूम बटन, पावर बटन, नीचे की तरफ एक USB Type-C का पोर्ट, स्पीकर एंड हमारा सिम ट्रे है जिसमें हाइब्रिड है, दो नैनो सिम लगा सकते हो या फिर एक नैनो सिम एक माइक्रो एसडी कार्ड का पोर्ट है। ये जो व्हाइट कलर का बैंड भी दिख रहा है, IP54 रेटिंग है, अभी होली आने वाली, थोड़ा आप भी मजे करना, एक दो पिचकारी मार दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, रंग मत डालना। फ्रंट में 6.67 इंच का डिस्प्ले है, 120Hz AMOLED, बट हमारे प्यार के बीच में कुछ आ रहा है, वो मैं तेज निकाल देता हूं। पिछली बार से डिस्प्ले में एक अपग्रेड करा है, पिछली बार एक 90Hz का पैनल था, 120 कर दिया। एंड अगर आप नॉर्मली भी चलाओगे 4K HDR सारी चीजें बढ़ चलती हैं। पिछली बार एक टीयर ड्रॉप वाला था, आंसू क्यों थे डिस्प्ले में मुझे नहीं पता, बट इस बार पंच होल वाला कर दिया। बट एक चीज है कि इसमें ना जो फ्रेम है उसके ऊपर ना ऐसे डिस्प्ले ना थोड़ा सा उठा है ब्लैक कलर, तो थोड़ा सा अलग सा फील होता है। ऊपर नीचे की साइड दोनों तरफ स्पीकर हैं, और एक चीज और है, ये आपको लगेगा वॉल्यूम फुल हो गई बट फुल नहीं है। इसके बाद 150%, 200%, वैसे ज़्यादा फर्क नहीं आता, पर हल्का बात नीचे से भी ऊपर से भी। आवाज डिसेंट लाउड है, क्रिस्पनेस भी सही है, ये जो प्राइस पॉइंट है इसके हिसाब से सही आवाज, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट भाई गेम खेलने में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा भाई का मानना है। बट इसमें चलाने में काफी मस्त है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें फ्रंट टच ओएस आपको मिल जाता है, रैम वैम आपको बढ़ानी हो 8+8GB की लगा सकते हो, एंड्रॉइड 14 मिल जा रहा है। देखो ऐप्स कितनी तेजी से खुल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने फोन खोल लिया भाई, फोन खुल जाता है, मैसेज को खुलने में हल्का सा, ये क्रोम नो थैंक्स, यहाँ पे अपना एल्बम तो डायरेक्ट खुली हुई है, कैमरा खोलने में ऑलमोस्ट 1 सेकंड लग जाता है भाई सारी ऐप्स को। देखो ऐप्स खुल जा रही है, नेट हमारा थोड़ा स्लो है बट वैसे फोन में ऐसे कोई चैलेंज नहीं है। 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड Vivo के सर्विस सेंटर भी काफी सारे हैं, तो ज्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं आई, अपने घर के पास वाला आप देख सकते हो। फोन अगर खोलोगे सॉफ्टवेयर काफी हद तक फास्ट चलता है, कुछ हॉट ऐप्स मिल जाएंगे, कुछ हॉट गेम्स मिल जाएंगे जिनको आप डिसेबल कर सकते हो, एंड कुछ हंटिंग वंटिंग वाला मिल जाएगा, बट भाई तो वेजिटेरियन मतलब अभी
करेंटली। फनटच ओएस में काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपके रेगुलर दिन में काफी ज्यादा काम आएंगे। आप एक स्पेसिफिक ऐप का रिफ्रेश रेट सेट कर सकते हो, जैसे समझ लो आप बीजीएमआई खेल रहे हो तो उसका 60 हर्ट्ज अगर आ रहा है तो आप 120 पे कर दो। गेम सेम एफपीएस पे चलेगी बट आपको दिखने में थोड़ा स्मूथ रहेगा, अच्छा लगता है। अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग वॉल्यूम, जैसे आपका जो पढ़ाई वाली एप्लीकेशन है जो आप रात भर स्टडीज कर रहे हो उसकी वॉल्यूम आप म्यूट पे रखो, कभी मम्मी अगर घुस गई तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे पढ़ाई से। जैसे आपने भाई यहाँ पे एक स्प्लिट स्क्रीन भी खोल दिया, साथ में यूट्यूब भी खोल दिया, फिर उसके बाद आपने नोट्स भी अपने खोल लिए, ठीक है। अब नोट्स को बड़ा छोटा करना है वो भी आप कर सकते हो, साइड से करा बड़ा हो गया। और जो बेसिक चीजें होती हैं फिंगरप्रिंट, फेस, चार्जिंग एनिमेशन आप चेंज कर सकते हो, पूरे यूआई में कस्टमाइजेशन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी एनिमेशन ऐड कर सकते हो, एक एम्बिएंट लाइट भी है, नोटिफिकेशन आते हो, थोड़ा सा कूल सा इफेक्ट आता है। इस बार बैटरी में भी अपग्रेड कर रहा है, पिछली बार 4500 एमएएच थी, इस बार बढ़ाकर 5000 एमएएच कर दिया, जो इस प्राइस पॉइंट के लिए मस्त है। इसमें 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का बोके वाला ऐड कर रखा है, एंड एक ये जो है भाई, ये जो काफी अलग सी चमकीली आंख, ये एंटी फ्लिकरिंग वाला सेंसर, जैसे समझ लो आपको डिस्प्ले देखते हो तो ऐसे लाइन लाइन आती रहती है ना, एंड कभी कभी रिकॉर्ड करते हो ट्यूबलाइट की वजह से आती लाइन, वो नहीं आएगा इसके अंदर। सबसे पहले भाई प्राइमरी से एक फोटो खींचेंगे हम, ये देखो अगर इसमें आप स्किन टोन देखो भाई काफी येलोइश सा लग रहा है एंड बैक साइड में काफी ब्लू है। फोटो भाई डेफिनेटली वीवो काफी मेहनत करता है अपने ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, तो एक प्राइमरी सेंसर है 2x वाला, इसी को क्रॉप करके फोटो खींचता है। ये हमने जैसे एक क्यूब है, इसको अगर मैं इसकी फोटो खींचूं, ये मैंने क्यूब की फोटो खींची है, इसमें आप देख सकते हो बैकग्राउंड में मैंने कोई पोर्ट्रेट मोड ऑन भी नहीं करा बट तब भी काफी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आ रखा है। इसमें अगर पोर्ट्रेट वाला ऑन कर खींचे, इसकी पोर्ट्रेट खींचेंगे, भाई अब तो देखो अलग दुनिया पहुंच गया भाई। इसमें देखो काफ़ी गोल गोल कर दी लाइट है, ये इनकी ये हमने फोटो खींच रहे हैं तो ये 1x वाले पोर्ट्रेट में भी खींच सकते हैं। इसमें हमने पूरा 0.95 कर रखा भाई, इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं, F2 कर देते हैं, एंड इसमें अलग अलग है, हार्ट्स वाला पैटर्न बना सकते हो, स्टार्स वाला, एक बटरफ्लाई वाला कर देंगे। इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, लाइट्स भाई ऐसे बटरफ्लाई की शेप में हो रखी, ऐसे अलग अलग शेप्स में आप कर सकते हो भाई। अब वेंकी भाई हमारी फोटो खींचेंगे, ये भाई का स्टाइल है यार, नहीं भाई खुला रहना चाहिए भाई, सही आ रही है भाई फोटो, एजेस सही मैच कर रखे हैं। सबसे पहले भाई फ्रंट कैमरे से भी फोटो भाई खींचना इंपॉर्टेंट होता है, पीछे भाई थोड़ा टफ बैकग्राउंड देंगे, एक ब्लू एक तरफ ऑरेंज अपना, ये देखो मैं पिंपल दिखाता हूँ, हाँ भाई सही है भाई, ये देखो आज भाई ने बाल में तेल लगाया, थोड़ा चमक भी आ रही है। ये अलग अलग फोटोज हैं, सब में काफी अच्छे से मैनेज कर रखा है, बैक साइड में ब्लू लाइट है, यहाँ पे ऑरेंज भी हल्का सा आ रहा है, यानी ये कुछ पोर्ट्रेट फोटोज खींची। एक चीज और मैंने नोटिस करी, बैक साइड से आप फोटो खींच रहे हो, जैसे आप फ्रंट में आओगे ना भाई पोर्ट्रेट में आ जाता ऑटोमेटिक, बोल रहा भाई सेल्फी खींचो तो पोर्ट्रेट में ही खींचो, अच्छा आ रहा है भाई पोर्ट्रेट में भी, कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार लग रहा है। स्किन के टेक्सचर्स वेक्चर्स काफी बढ़िया, इसमें एक पोस्चर्स वाला भी कर रखा है भाई, इसमें अलग अलग पोस्चर आप कर लो, ये ऐसे बता रहे कि ऐसे ऐसे पोस्चर कर लो, ये हाथ से ऐसे टेढ़ा कर लो, भाई वैसे मजाक नहीं है, स्कूल तो आ रही है फोटो, ऐसा लग रहा पंच पढ़ रहा है बट तब भी खुश है बंदा, माशुआ से पढ़ रहा है पंच, और थोड़ा पास से देखोगे तो इसमें बाल है क्योंकि मेरा हाथ है, बट एक्चुअल सेल्फीज अच्छी आ रही है भाई। इसमें भाई बतेरे पोजेस दे रखे हैं कि हर पोज अलग अलग बना लो आप, आपका कुछ करने है उनके तो कैजुअल पोजेस हैं, थोड़े कपल पोजेस हैं, ये वेंकी भाई कपल भी है, 3-4 के लिए भी है क्या, 3-4 के लिए भी है क्या। जीवन में आपको किसी भी तरह का मेकअप करना हो, वेस्टर्न बनना है, टेक्सचर्ड बनना है, पिंक बनना है, पिंक कर दो मेरे को, पिंक हो गए भाई गाल, बहुत सटल था है बट अच्छा है। बट एक दो और मेरे को कूल चीज लगी, बैक साइड में जब फोटो खींचोगे ना, अलग अलग मोड्स हैं पोर्ट्रेट वाले, लो लाइट वाला मोड है, एक विंटेज मोड है, एक फ्रेंच इंप्रेशन है, एक फ्लैश पोर्ट्रेट स्टाइल ऐसा टाइप है, एंड इसके कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे किस किस टाइप के आते हैं, ये अलग अलग टाइप की फोटोज आपको खींच के देता है अलग अलग टाइप के मोड में, आपको डेफिनेटली मजा आएगा भाई फोटो खींचने। कलर्स काफी हद तक नेचुरल रहते हैं, एंड पोर्ट्रेट में भी 2x वाला ऑप्शन है, ऑल्दो इसमें बैक साइड में टेलीफोटो लेंस नहीं है, बट भाई पीछे वाला लेंस दे रखा है फ्लिकरिंग, एंटी फ्लिकरिंग, तो भाई चेक तो करना पड़ेगा एंटी कितना फ्लिकर कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हो भाई दीवार पे ना फ्लिकरिंग आ रही है, काफी सारे फोन्स में दिक्कत आती है जब भी आप रिकॉर्ड करोगे, बट ये सेम जो हमने इससे रिकॉर्ड करा तो इसमें बिल्कुल भी फ्लिकरिंग नहीं आई, मैं लाइट के ऊपर डायरेक्ट भी अगर मार रहा हूं तब भी भाई फ्लिकरिंग बिल्कुल नहीं है, कुछ तो कर रहा है। कुछ फोन्स इसको बिना सेंसर के भी कर लेते हैं, बट वीवो ने एक डेडिकेटेड सेंसर लगा रखा है इस चीज के लिए, एंड ये काम डेफिनेटली करता है। ये एक ऐसी चीज है जो मतलब काफी सारे महंगे फोन में भी दिक्कत है, फ्लिकरिंग वाले इश्यूज आते हैं, बट एक मिड रेंज फोन में फिक्स करना भाई डेफिनेटली बड़ी बात है। ये एक और सैंपल लिया है इसी प्राइस पॉइंट के एक दूसरे फोन के साथ, और आप अच्छा खासा फर्क देख सकते हो।
एक चीज मेरे को ना काफी अच्छी लगी कि है तो एक सिंगल लेंस वाला कैमरा ही, बट इसमें आप इसमें ना 10x जूम करके आप फोटो खींच सकते हो। एंड इसमें जाओगे ना, एंड इसमें एक सुपर मून मोड भी ऐड कर रखा है। सुपर मून मोड में जाओगे भाई 20x पे फोटो खींचती है। हमने कुछ फोटोज खींची है चंदा मामा की, इस पे 4K 30fps पे आपको OIS मिल जाता है। मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भी दिखाता हूँ। ये वाली हम 4K 30fps पे दे रहे हैं, ये नॉर्मल वीडियो है एंड ये वाली OIS के साथ है। आप दोनों में फर्क देख सकते हो भाई, आता है। एंड इस प्राइस पॉइंट में 4K पे OIS मिलना एक तगड़ा ऑप्शन है। एक ड्यूअल व्यू वाला भी है भाई, उसको भी चेक कर ही लेते हैं। ये वाला है अपना मस्ती से, हमको हमेशा स्माइल्स बांटनी चाहिए। देखो 1 2 3 एक चीज और इंटरेस्टिंग लगी इसमें ना, वैसे काफी सारे फीचर्स तो हैं, साइबर पंक वंक ये वाली फील है इसमें, बट सबसे मेरे को थोड़ा लगा भाई ये देखो भाई अलग सा लग रहा है, काफी साइबर पंक वाली फील डाल दी भाई मैंने। 2-3 फिल्टर लगा के भाई अलग सा ब्लर भी आ रहा है बैकग्राउंड मेरे को। लियो भाई कैसा लग रहा हूँ मैं, ब्लूइश तगड़ा लग रहा हूँ कि नहीं? ओवरऑल जो कैमरे में फोटोज आ रही हैं, कलर्स हैं, कॉन्ट्रास्ट है, पोर्ट्रेट मोड की जितनी फोटोज हैं, इवन वीडियोस भी, सब काफी सॉलिड मुझे लगा। इसमें वाइड एंगल कैमरा आपको नहीं देखने के लिए मिलता, बट ओवरऑल नाइस कैमरा। पर एक चीज और जो मस्त है वो है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर। लास्ट टाइम जो वीवो का T2 प्रो था उसमें भी सेम प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलता था, पर ये इस प्राइस पॉइंट के लिए एक सॉलिड प्रोसेसर पेपर के ऊपर। अब रियल लाइफ में गेम वेम खेलेंगे, थोड़ा परफॉर्मेंस करेंगे तो और अच्छे पता चलेगा, बट असली मजा भाई गेम खेलने में। Let's go. भाई गेमिंग की टेस्टिंग करने के लिए भाई ने पहले से ही गेम को रेडी कर लिया। इस प्राइस पॉइंट में भाई गेम खेल पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमने BGMI चला रखी है। अगर मैं आपको सेटिंग दिखाऊं, HDR पे अल्ट्रा पे चल रही है, जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई सॉलिड लग रहा है, एंड ग्राफिक्स भी भाई। बट गेम अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं देखने के लिए मिल रहे, एंड जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है भाई गेम आप आराम से इस पे खेल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से ना साइड में गेम मोड भी आया था अभी, मैं इसीलिए मैं वही सोच रहा था, अभी हमने बूस्ट ऑन नहीं करा था, बूस्ट ऑन कर दिया हमने। 4D वाइब्रेशन भी भाई हम ऑन कर देंगे इसमें, भाई गोली मारो तो अलग सी वाइब्रेशन आती है, मजा आता है, थोड़ा सा अलग अलग एक्शन पे। एक ई स्पोर्ट्स मोड भी है भाई, इससे परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है। एंड ऑफकोर्स वॉइस चेंजर, ये तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। हेलो आए रस्ते से हट जाओ, ये देखो हेलो भाई रहते हैं। ये बेसिकली सारे फीचर्स ना फंट टच ओएस में रहते हैं, मोशन कंट्रोल रहता है, ऐसे पीछे करके आप रीलोड कर सकते हैं, बट ओवरऑल भाई गेम खेलने में सॉलिड परफॉर्मेंस है। इस प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फोन्स में डेफिनेटली। इस वाले स्मार्टफोन का प्राइस 20,000 के अराउंड होगा। इस प्राइस पॉइंट में भाई वीवो एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको ला के दे रहा है। कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल नहीं है, बट एक काफी अच्छा बैलेंस्ड वैल्यू पैकेज आपको वीवो की तरफ से मिल जाता है। परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, बिल्ड, सारी चीजें आपको एक अच्छे लेवल पे मिल जाती है, और एक अच्छा सॉलिड बैलेंस फोन आपको इस प्राइस पॉइंट में मिल जाता है। इसका हम ऑनलाइन मैंने जाके देखा तो 21 मार्च तक इसका फ्लिपकार्ट पे गिव अवे टाइप भी चल रहा है, हम ज्यादा करते नहीं, बट आप इनका चेकआउट कर सकते हो। और इसके दो वेरिएंट आते हैं, 8+128 और 8+256GB वाला, दोनों में से आपको जो भी पसंद है आप वो परचेज कर सकते हो। और आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, अगर लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।